दोस्तों वीडियो जरूर देखें, सिर्फ 2 मिनट की है, नहीं तो पछताओगी और ज़िंदगी में जो है आपको कभी खुशी नहीं आएगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को अभी और इसी वक्त हम शुरू करते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 1, ज़्यादा पेशाब लगने पर क्या करना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा कि जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है, ज़्यादा पेशाब लगने पर खाना के साथ 1 कली लहसुन खाना चाहिए, पेशाब जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। सवाल नंबर 2, मुंह सूखने पर क्या करना चाहिए? नहीं तो लकवा या फालिस की बीमारी हो जाती है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसका सही आंसर है, कहीं पर भी मुंह सूखने लगे तो वहां बैठ जाना चाहिए, नहीं तो आप घर में है तो चीनी तुरंत खाना चाहिए, नहीं तो लकवा या फालिस की बीमारी हो जाती है, तो आदमी को बीमार हो जाती है दोस्तों। सवाल नंबर 3, मुंह सूखने लगे तो तुरंत क्या करना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है, मुंह सूखने लगे तो चीनी खाना चाहिए तुरंत, नहीं तो लकवा मार देता है। जो लोग चीनी नहीं खाते हैं उस समय उस वही बीमारी होता है लकवा और फालिस का, इसलिए चीनी जरूर खाएं। सवाल नंबर 4, रात भर जगने के लिए क्या खाना में खाना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, रात भर जगने के लिए भात खाना चाहिए, रोटी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, नहीं तो नींद जो है वो आने लगती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी डायरेक्ट मिले आप तक।